और सर सैया पे पड़े पितामा सोच करें वारी एक एक याद आ रही है। मैंने बहुत गलत किया सरसैया पे पड़े और सोच करे वारी मैंने पछपात करी तो मेरी किनने हरी पितामा कह रहे मैंने जान भूल करके अधर्म का साथ दिया अधर्म की लड़ाई लड़ी अरे हमारे दोनों ही मेरे लिए कौरव और पांडव दोनों बराबर थे अरे हमारे सीतामा सोच रहे अरे पांडव का सोचता होंगे अरे पांडव का सोचता होंगे और धर्म राजू करीबार राजू हम का जवाब देंगे एक याद कहते अरे बुलाई दे मेरे भारत निकट किया दे लगाई दिखाई दे मोए भारत I'm not.
सीतामा रो रहे हैं, अर्जुन पानी पिला दो, बाण चलाया जमीन में लगा, धारा निकल करके पितामा के मुंह में गिरी, एक बाण चलाया सर के नीचे लगा, गर्दन ऊंची हो गई। अब तो दुर्योधन रोने लगा, अब मेरे भाइयों का बदला कोई नहीं ले सकता। अश्वत्थामा ने कहा, मैं ये प्रण करता हूँ, मैं तुम्हारे भाइयों का बदला लेकर के दिखाऊंगा। चला, द्रौपदी के पांच छोटे छोटे बच्चे टेरों में सो रहे थे, बच्चों के धड़क से सर को अलग किया, सरों को लेकर के चलाया आगे। तो दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई कि पांडवों के सर हैं, लेकिन एकदम से बच्चों के सर को देखा दुख उत्पन्न हो गया। तो दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था कि वो दुख और सुख दोनों एक साथ में देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन मर गया। इधर द्रौपदी ने देखा पांच बालक लाश ही लाश पड़ी है, टेरों में खून बह रहा था, हर अवला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल लटकाए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। कन्हैया ने धैर्य को बंधाया, अर्जुन का मोह दूर किया, उसके बाद कृष्ण चलने लगे। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उत्तरा कांपने लगी। भगवान कन्हैया ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा था परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की, आनंद कंद भगवान की।